नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेय और आप देख रहे हैं जीएन भारत। आपको बता दें कि झारखंड में भी अब चलेगा योगी का मॉडल। जी हां, उत्तर प्रदेश में जैसे योगी सरकार उग्रवादियों के घर में सीधा बुलडोजर घुसेड़ दे रही है, बुलडोजर चला दे रही है, लेकिन धैर्य रखिए, झारखंड में फिलहाल बुलडोजर नहीं चलने वाला है। बल्कि झारखंड में रमेश बैस, जी हां, राज्यपाल रमेश बैस ने ये ऑर्डर दिया है कि हर गली हर चौक चौराहे पे ऐसे उग्रवादियों का पोस्टर लगाया जाए, नाम पता एड्रेस के साथ। जी हां, यानी कि अब झारखंड में किसी भी गली और चौक से आप गुजरेंगे तो आपको ऐसे पत्थरबाज का फोटो, नाम पता सब मिल जाएगा। इसके साथ ही रमेश बैस ने तलब किया है एसएसपी, सिटी एसपी, एडीजी और साथ ही डीजीपी को अपने राजभवन में सारे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, सारे इनपुट लेने के लिए। आपको बता दें, जानकर आपको हैरानी होगी कि कई सारे सवाल राज्यपाल ने उनसे पूछे। पहला सवाल, सबसे तीखा सवाल ये था एसएसपी से कि आपने रबर बुलेट क्यों नहीं चलाई, आपने सीधा गोली चलाने का आदेश क्यों दिया, आंसू गैस क्यों नहीं छोड़े, वाटर टैंक कहाँ था, इस तरह के कई सवाल पूछे। राजभवन के सूत्रों के हवाले से जो जीएन भारत को खबर आई कि ऐसे न जाने 75 सवाल उन्होंने रमेश बैस ने डायरेक्टली दाग दिए और इस पर डीजीपी से लेकर एसएसपी किसी ने मुंह नहीं खोले, ज्यादातर सवाल पर चुप्पी साधे रहे। जी हाँ, प्रशासन ने कुछ वैसा जवाब, सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया। इसके साथ ही खबरें आ रही है कि रमेश बैस ने बहुत कड़क होकर डीजीपी से यह सवाल किया कि आखिर आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहे थे, इंटेलिजेंस की तरफ से क्या इनपुट थे। जब ऐसी खबरें थी कि उस दिन भीड़ लगेगा, लोग जमा होंगे, नमाज के बाद ऐसी चीजें हो सकती है, तो इसलिए रमेश बैस ने बहुत कड़क होकर नीरज सिन्हा से यह सवाल किया, जो कि डीजीपी है झारखंड के। उसे खास तौर पर पूछा कि आखिर आपको इनपुट तो होगा ना, आपको इनपुट मिला होगा कि पूरी दुनिया को पता था कि फ्राइडे को कुछ होने वाला है, नमाज के बाद कुछ लोग इकट्ठा होंगे, आपको क्या इन्फॉर्मेशन था इंटेलिजेंस ब्यूरो से। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने यह कहा है कि हमें, नीरज सिन्हा ने बताया राज्यपाल को कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से हमें यह पता चला है कि सिर्फ 150 लोग इकट्ठा होने वाले हैं। देख लीजिए इंटेलिजेंस ब्यूरो का हाल झारखंड में, 100-150 लोग इकट्ठा होने वाले। बल्कि हमने मेन रोड के आम नागरिक से बात की, उन्होंने भी अपनी बातें बताई, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि हमें जानकारी था कम से कम 2000 लोग इकट्ठा होंगे, इसलिए हम पहले ही दुकान बंद करके घर में चले गए थे कि हाँ इतने लोग इकट्ठा होंगे। एक आम इंसान को जब इतनी जानकारी है तो ये सोचने वाली बात है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को ऐसी जानकारी कैसे हो सकती है, इतनी बड़ी जानकारी कैसे नहीं हो सकती है। वो कहती है केवल 150 लोग इकट्ठा होंगे। इस पर रमेश बैस साफ तौर पर तीखा सवाल करते हैं कि 150 तो आप इंतजाम, आप लोगों ने इंतजाम क्या किया था, आपको तो पता था बंद था। तब उस समय नीरज सिन्हा ये कहते हुए ये कहते हैं उनसे कि हमने 150 के लायक इंतजाम किया था, ना आंसू गैस थे, ना गोल, ना वाटर टैंक थे, कुछ भी नहीं था, सिंपली 100 उसी तरीके का हमने इंतजाम किया। लेकिन जब फील्ड पे आए तो देखा कि भैया यहां तो 25,000 लोग हैं, लेकिन इंतजाम तो कुछ था नहीं। इस वजह से बहुत शर्मसार सारे एसएसपी और सारे जितने भी प्रतिनिधि थे उनको बहुत ही शर्मसार होना पड़ा और रमेश बैस बहुत ही कड़ा रुख अपनाते हुए बहुत उन्होंने चेतावनी दी है। जी हाँ, चेतावनी दी है कि आपको 3 दिन के अंदर सारे रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजना है और ये रिपोर्ट जल्द से जल्द भेजनी चाहिए। और हाल के दिनों में जो 4-5 घटनाएं हुई है, हत्या के घर से निकाल के आदित्यपुर में जो घटनाएं हुई है कि गवाह को घर से के अंदर घुस के जो गोली मारने की घटनाएं, इन सब पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपना है। यानी राज्यपाल का भी यहां पे अब रोल जो है बहुत अहम होता नजर आ रहा है। हेमंत सोरेन तो अब तक चुप्पी साधे हुए, उनके तरफ से कोई ज्यादा हरकत देखने को मिल नहीं रही है, लेकिन रमेश बैस ऐसा लग रहा है मानो पूरे हरकत में है। अच्छा है, राज्यपाल का रवैया देखकर अच्छा है, कहीं ना कहीं सीएम अगर थोड़ा ठंडा पड़े तो राज्यपाल को गर्म होना ही पड़ता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज जितने भी अधिकारी हैं फिलहाल अभी सख्ते में ही है, क्योंकि सब के बोली पे ताला लगा हुआ था। थोड़ी चूक तो हुई है, चूक है चूक नहीं है, ये सब एसआईटी टीम का गठन हो चुका है, ये बात की बात है। हम पत्रकार हैं, आपको निष्पक्ष रूप से दिखाना हमारा काम है, जज करना आपका काम है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।